आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत पुलिस लाइंस और कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद में आला सतह का इजलास हुआ है। इनका कहना था कि तमाम शरपसंदों को जल्द अज जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। इसी पर मजीद बात करेंगे, लाहौर के ब्यूरो चीफ सलीम शेख हमारे साथ मौजूद है। सलीम शेख, बताइएगा इस इजलास के बारे में। जी बिल्कुल, जो इजलास हुआ है उसमें पंजाब ने जो है वो पुलिस लाइन फैसलाबाद में शरपसंदों के हमलों से जख्मी होने वाले अहलकारों से मुलाकात की है और मुलाकात में जो है पुलिस अहलकारों की खैरियत दरियाफ्त की और उनके बुलंद हौसले को सराहा। पंजाब पुलिस के बादल सपूतों ने जिस तंबल का मुजाहरा किया वो काबिले तहसीन है। ये कहना था मोहसिन नकवी का और मोहसिन नकवी ने कहा कि पुलिस के अफसरों और जवानों ने फर्ज शनासी की उमदा मिसाल कायम की है। कौम को आप पर फख्र है जिन्होंने सियासी जद्दे के मजमूम अजाइम को नाकाम बनाया। पुलिस के बहादुर और जरी जवान अपने फ्राइज मेहनत और प्रोफेशनलिज्म से सर अंजाम दे रहे हैं। वजीर पंजाब ने कहा कि तमाम शरपसंदों को जितनी जल्दी हो सके कानून की गिरफ्त में लाया जाए, शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को पेशा वाराना तरीके से आगे बढ़ाया जाए, तमाम केसेस की प्रोफेशनल और कानूनी लिहाज से मौसर तफ्तीश की जाए ताकि कोई भी शरपसंद बचना पाए। शरपसंदों की सहूलतकारों और मास्टर माइंड को भी कानून के कटहरे में लाएंगे। कानून हाथ में लेने वाले नासर से आनी हाथों से निपटा जाएगा। मुतद्दद सलीम शेख, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।